जो बात राहुल गांधी ने की है कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जबान काट देनी चाहिए। जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। देखो, कांग्रेस का असली चेहरा राहुल गांधी के माध्यम से सामने आया है। जो बात उनके पेट में थी वो मुझसे निकल बाहर रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के मागास वर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, एनटी, एनटीडी, जितने भी हमारी पिछड़ी हुई जाति है, उनका स्तर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया है। और आज यही रिजर्वेशन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाले, सरकार संविधान खत्म करने वाले, संविधान बदलने वाले, ये झूठा प्रचार करके ये कांग्रेस ने चुनाव में वोट मांगे। आज इनका असली चेहरा सामने आया है। वो बोल रहे कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बात राहुल गांधी ने की है कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जबान काट देनी चाहिए। जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, भाजपा का संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए। और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागास वर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है। इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए, उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया। जो बाबा साहब अंबेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे। मेरा चैलेंज इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते, जो इसकी जीवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। 11 लाख के इनाम की बात की है आपने, घोषणा की है, तो ये आपका क्या प्रसिद्धि के लिए स्टेटमेंट है? ये मेरी सभी समाज के प्रति संवेदना है। मैं समाज में रहता हूँ, पिछड़ी जाति में रहता हूँ, आदिवासी में रहता हूँ, ओबीसी में रहता हूँ, सब में रहता हूँ, और मैं उनका दर्द आज भी देख रहा हूँ कि हालत उनकी क्या है। आज महाराष्ट्र में भी धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उनको तो मिलने से पहले ये नहीं देने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये कोई प्रसिद्धि वाला स्टेटमेंट नहीं है। ये एक वरिष्ठ नेता जो जवाबदार है, जिसके परिवार में देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे, आज उनका बेटा इस तरह की बात कर रहा है कि हम ये आरक्षण खत्म करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, इसलिए हमारे दिल से निकली हुई आवाज है। अमेरिकेमध्ये जाऊन आरक्षण संपवण्याची भाषा करणारे राहुल गांधी आणि यांच्या विरोधामध्ये सर्वच सत्ताधारी पक्ष या ठिकाणी विरोध करताना आपल्याला पाहत मिळत आहेत। त्यावरच आता बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड हे तर या ठिकाणी संताप व्यक्त करत आहेत। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांच्या वक्तव्यावर नेमकं काय म्हणणं आहे। भाऊ मला एक सांगा, राहुल गांधी एक मोठा नेता आहे,
त्यांच्याकडून अशी भाषा समोर येणं कसं वाटतं? यांच्या मनातली मळमळ या ठिकाणी बाहेर आलेली आहे. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान घेऊन फिरायचं, संविधान खतरे में आहे, संविधान भारतीय जनता पक्ष बदलणार आहे म्हणून एका समाजाला भीती दाखवायची आणि आता तेच संविधान खतम करण्याची भाषा बोलायची, हा दुटप्पी चेहरा हा यांचा समोर आलेला आहे. यांच्या बगलमध्ये छुरी आहे, मुमे राम बगल में छुरी असं चित्र या ठिकाणचं आहे. यांना बाबासाहेबांनी दिलेलं मागासवर्गीयाचं आदिवासींचं ओबीसींचं आरक्षण खतम करायचं आहे. एकीकडे राज्यामध्ये धनगर समाज मराठा समाज आरक्षण मागून राहिला, त्यांना तर मिळण्याच्या आधीच संपवण्याची भाषा या ठिकाणी करून राहिले आहेत आणि म्हणून मागासवर्गीय आणि चार आदिवासीच्या सगळ्यांच्या भरोश्यावर आजपर्यंत काँग्रेसची जी सत्ता भोगली आज त्या समाजाशी धोकेबाजी करून राहिलेले आहेत. मागच्या काळात सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत सुद्धा यांनी धोका केला, आता बाबासाहेबांच्या संविधानासोबत सुद्धा हे धोकेबाजी करायची यांची तयारी झालेली आहे. परंतु राहुल गांधी यांची जीभ साठण्यासाठी आपण या ठिकाणी काहीतरी बक्षीस जाहीर केलंय, काय नेमका प्रकार? जर आपल्या लाखो करोडो अनुय बाबासाहेबांच्या अनुयाचं आरक्षण जर राहुल गांधी काढत असतील, हजारो लाखो करोडो ओबीसींचं काढत असतील, आदिवासींचं काढत असतील आणि त्यांना पुन्हा पहिल्यासारखं जीवन जगण्याकरता जर हे काँग्रेसला मजबूर करत असतील तर मी नक्कीच माझं स्टेटमेंट मी जे राहुल गांधीबद्दल केलं की याची जीभ छाटणार मी बक्षीस देईल, मी त्याच्यावर ठाम आहे. नेमकं काय बक्षीस असेल, काय अमाऊंट असेल? जो बाबासाहेबांचं आरक्षण संपवण्याची भाषा करतोय आपला काँग्रेसचा ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी, त्याची जीभ जो छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी त्या ठिकाणी देईल. हे होते शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या ठिकाणी आपल्या शैलीमध्ये एक विधान केलंय. राहुल गांधीची जीभ छाटणाऱ्याला या ठिकाणी 11 लाखाचं बक्षीस त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलंय. यांच्या विधानामुळे नक्कीच महाराष्ट्रात खळबळ माजल्याशिवाय राहणार नाही. राहुल खंडारे, न्यूज 18, लोकमत, बुलढाणा. उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है. क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया. अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए वो तो अब बात है नहीं. अब कैसे डिवाइड करेंगे, कभी ओबीसी की बात कर लो चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको. उनको आज तक ये नहीं पता, आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका. आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे, अरे भाई पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है. आज LOP होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द उसका उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता. आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता. ये आज भी 5वीं बार MP होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है, आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया. और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को
बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं। और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के खड़ा भी, कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे, अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है जो सबसे जो माहिर है बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी से।